Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dr. Shoaib Saab, Dr. Nadeem Javed, and Chief Executive, Rural Economy Center, distinguished ladies and gentlemen, it is indeed a great honor and privilege for me to preside over the launch ceremony of Center of Rural Economy. I am particularly delighted because it is one of the initiatives which I had launched at Ministry of Planning and Development. But with my apologies to His Excellency Ambassador of European Union, whose presence is a source of great strength for us, I'll apologize from him and switch to Urdu, because I would like to speak in the language that rural Pakistan understands. Jaisa ki aap sab jante hain ki Pakistan Allah Taala ke fazl o karam se ek aisa mulk hai jise beshumar wasail se mala mal kiya gaya hai, lekin 70 saalon se Pakistan struggle kar raha hai ki apni ऑप्टिमम परफॉर्मेंस को अचीव कर सके। हमारे रास्तों में कई मरहले आए, हमने उधार की तरक्की के दौर भी देखे जब पाकिस्तान की मईशत 10-10 साल आमरियत के चुंगल में गई और आमिरों ने अपने हुकूमत को दवाम देने के लिए पाकिस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान के मफादात का सौदा करके अरबों डॉलर हासिल किए और उन अरबों डॉलर से एक मसनूई तरक्की तो पैदा की, लेकिन पाकिस्तान के पैदावारी शोबे जिसमें पाकिस्तान की ज़रात और पाकिस्तान की सनत शामिल है उनमें कोई खातर खा तब्दीली नहीं लाए। लिहाजा जो भी तरक्की के अदवार आए वो बोरोड तरक्की थी, उधार की तरक्की थी या एग्जॉजिनस फैक्टर्स पे ड्रिवन तरक्की थी, और उन पैसों को जो हमारे तरक्की के एंडोजिनस फैक्टर्स हैं, जो हमारी अपनी सलाहियत को बढ़ाने वाले हैं, जो हमारी अपनी रिसर्च कैपेबिलिटी को बढ़ाने वाले हैं, जो हमारी पैदावारी सलाहियत में मुसाबकत लाने वाले हैं, उन पे तवज्जो नहीं दी गई। नतीजा ये है कि जब वो गैर मुल्की इमदाद बंद होती थी तो हमारी मईशत फिर गिर जाती थी और हम एक हाई ग्रोथ प्लेटफॉर्म से फिर नीचे लो ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे आ जाते थे। ये खेल पाकिस्तान से तवातर से होता रहा और जब भी कभी पाकिस्तान टेक ऑफ की पोजीशन पर आया तो सियासी अदम इस्तेहकाम ने उसको फिर क्रैश लैंड करने पे मजबूर कर दिया। 2013 में जब हमने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान की मईशत क्रैश लैंड हो चुकी थी। 20-22 घंटे बिजली पाकिस्तान में नहीं आती थी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का 400 राज था और पाकिस्तान की मईशत 3% पे जामिद हो चुकी थी और कई मईशत दान उसके लिए उर्दू ग्रोथ रेट की टर्म कॉइन कर चुके थे, जैसा कि उससे पहले हिंदुस्तान के लिए हिंदू ग्रोथ रेट की टर्म कॉइन की गई थी। इन हालात में हमने मुल्क को आगे ले जाने के लिए मंसूबों की तरतीब शुरू की और सबसे पहला काम ये किया कि जहां पाकिस्तान के लिए एमरजेंसी रिस्पॉन्स पैदा की कि हम अपने मसाइल को और मईशत के ज़ख्मों को फौरी तौर पे उनका इलाज कर सकें, वहीं एक लॉन्ग टर्म तरक्की का रोड मैप भी मुतय्यन करें ताकि हम हवा के हचकोलों से आगे ना चलें बल्कि अपनी मुतय्यन करदा सिमत की तरफ आगे बढ़ें। और इस मकसद के लिए विज़न 2025 को तमाम माहिरीन सूबाई हुकूमतों, प्राइवेट सेक्टर, फार्मर्स, नौजवानों, एकेडेमिया, रिसर्च, हर तबके के लोगों से मिलकर तरतीब दिया गया।
और इसमें हमने ये तय किया कि हमारे लिए मुमकिन है कि हम 2025 तक दुनिया की टॉप 25 इकोनॉमीज में आ सकें। अगरचे ये एम्बिशियस गोल है, लेकिन अगर हम पूरी दयानतदारी के साथ, मेहनत के साथ इस पे काम करें और मुल्क को इस्तेकाम के साथ लेके चलें तो ये अचीवेबल है। एम्बिशियस था लेकिन अचीवेबल भी था। तो उस मौके पे बहुत से सुकरातों और बुकरातों ने बहुत तबसरे किए, जो कि शाम को आजकल टीवी पे आके मायूसी फैलाते हैं कि ये शेख चिल्ली के ख्वाब दिखा रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें ये मालूम नहीं था कि हम ख्वाब देखते भी हैं और ख्वाब को हकीकत में ढालने का अज़म और हौसला भी रखते हैं। उसका नतीजा ये है कि 2017 में प्राइस वाटर हाउस कूपर PwC, जो दुनिया की सफ़े अव्वल की इक्तसादी कंसल्टिंग कंपनी है, इकोनॉमिक कंसल्टिंग कंपनी है, वो दुनिया की रैंकिंग शाय करती है, और उसने जो ताज़ा तरीन रैंकिंग 2030 तक शाय की है, वो पाकिस्तान के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इसी रफ्तार से चलता रहा तो ये इंशाअल्लाह ताला दुनिया के पहले 20 मईशतों में शामिल हो जाएगा, गोया के पाकिस्तान 2030 तक G20 कंट्री बन सकता है। तो ये तस्दीक हमारे प्रोग्राम की अब बैरून ममालिक से भी हो रही है, जिससे ये मालूम होता है कि ये अब शेख चिल्ली के ख्वाब नहीं हैं, ये वो ख्वाब हैं कि जिनको हमारे साथ बाहर की दुनिया ने भी देखना शुरू कर दिया है। तो ख्वातीनों हजरात, अगर हमने पाकिस्तान को एक सस्टेन्ड ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लेके चलना है तो ये मुमकिन नहीं है कि हम उस एंडाउमेंट को या उस दौलत को जो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे मुल्कों से ज़्यादा दी है, ज़रखेज़ ज़मीन, पानी, मौसम और मेहनती अफरादी कुवत, ये चार चीज़ों की कॉम्बिनेशन दुनिया के अंदर बहुत कम ममालिक के पास हासिल है। तो इसको मुल्क की तरक्की में मेन स्ट्रीम किए बग़ैर और इसको इसकी फुल पोटेंशियल पे लाए बग़ैर हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पोटेंशियल हासिल नहीं कर सकते। यही नहीं, अगर हमने तरक्की करनी है तो वो तरक्की देर पा तब होगी कि जब वो इंक्लूसिव हो, उसमें तमाम तबके और तमाम इलाके शामिल हों और उस तरक्की के समरात और फल सब लोगों तक पहुंच सकें। पाकिस्तान की आज भी तकरीबन 42% लेबर फोर्स रूरल इकॉनमी में काम करती है। पाकिस्तान की आबादी की अक्सरियत आज भी देही इलाकों में मौजूद है। इस हवाले से अगर पाकिस्तान में गुरबत 15% से ज़्यादा देही इलाकों में है, जबकि उसका शुमार शहरी इलाकों में उससे निसफ है तकरीबन, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस गुरबत को टारगेट करने के लिए और इसके साथ साथ दीगर जो इशारे हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, चाहे वो न्यूट्रिशन का है, चाहे वो एक्सेस टू हेल्थ केयर का है, चाहे वो तालीम का है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, हर इशारे में देही इलाके शहरी इलाकों के मुकाबले में 2 से 3 गुना डिसएडवांटेज पर है। लिहाजा अगर हम अपनी तरक्की को वाकई बैलेंस करना चाहते हैं और सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं तो हमें रूरल अर्बन डिवाइड को ख़त्म करना होगा। और फिर चूंकि पाकिस्तान में आबादी की अक्सरियत देही इलाकों में रहती है और पाकिस्तान जनूबी एशिया का फास्टेस्ट अर्बनाइजिंग कंट्री है, हमारे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल नहीं कि वो देहात से इस कदर बड़ी तादाद में नकल मकानी का बोझ बर्दाश्त कर सके। तो इसके लिए नागुज़ीर है
कि हम रूरल इकोनॉमी के इंजन में कंबस्शन लेकर आए। रूरल इकोनॉमी के इंजन को स्टार्ट किए बगैर हम देहात से शहरों की तरफ माइग्रेशन में रुकावट नहीं डाल सकते। देहात में इकोनॉमी के पोटेंशियल को बरूएकार लाए बगैर हम देहात से गुर्बत और देहात से पसमानदगी, बीमारी और जहालत को ख़त्म नहीं कर सकते। लिहाजा हमें ये समझना होगा कि जो हमारे इकॉनमी के सॉल्यूशंस हैं, हो सकता है कि शहरों में तो किसी ना किसी दर्जे में यकसानियत हो, लेकिन रूरल इकॉनमी अपने स्ट्रक्चर में अर्बन इकॉनमी से नुमाया तौर पे फ़र्क है। और ख़ुद रूरल इकॉनमी के अंदर रीजन टू रीजन उसके ड्राइवर्स और उसके स्ट्रक्चर में नुमाया फ़र्क है। जो ज़रई मईशत पंजाब में है, जनूबी पंजाब में, वो शुमाली पंजाब से मुख्तलिफ है। जो सिंध में ज़रई मईशत है, वो बलूचिस्तान की ज़रई मईशत से मुख्तलिफ है। और जो गिलगित बल्तिस्तान में है, वो आज़ाद कश्मीर से मुख्तलिफ है। तो रूरल इकॉनमी भी कोई एक होमोजीनियस स्ट्रक्चर नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ शेड्स हैं। और जब तक हम उन मुख्तलिफ शेड्स को नहीं समझेंगे और अपने सॉल्यूशन को मुकामी हालात के साथ रिलेट नहीं करेंगे, तो हमारी हिकमत अमली कामयाब नहीं होगी। तो इसी पस मंज़र में, जबकि हम दुनिया में देख रहे हैं कि एक नॉलेज रेवोल्यूशन आ रहा है, और ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा अर्बन बायस के साथ आ रहा है, क्योंकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इस नॉलेज रेवोल्यूशन का बेनिफिशरी होने के लिए ज़्यादा सलाहियत रखता है। इस नॉलेज रेवोल्यूशन की बुनियाद डेटा कनेक्टिविटी के ऊपर है। इस नॉलेज रेवोल्यूशन की बुनियाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर है। लिहाजा ये शहरों में तो मौजूद हैं, लेकिन देही आबादियाँ इन प्लेटफॉर्म से और इस एक्सेस से बड़ी हद तक दूर हैं। अगरचे हमारे मुल्क में एक बड़ी एडवांटेज ये है कि 120 मिलियन मोबाइल फोन्स की पेनिट्रेशन मौजूद है, कि जो रूरल एरियाज़ के अंदर भी नुमाया तौर पे पहुंच गई है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को इन दूर अफ्तादा आबादियों को तरक्की के उस नॉलेज से, तरक्की के उस इंजन से जो पूरी ग्लोबल इकॉनमी को ड्राइव कर रहे हैं, मुंसलिक करने के लिए इस्तेमाल करें। और बिलखसूस इन देही इलाकों में वो आगही लाएं, वो शऊर लाएं कि जिससे उनकी पैदावारी सलाहियत में इजाफा हो सकता है या उसे वो आलमी पैमानों के साथ हम आहंग कर सकते हैं। मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर एक मछेरा गवादर या पसनी की साइल से समुंदर में जाता है और वो ये नहीं जानता कि उसकी इंडस्ट्री में यूरोपियन यूनियन ने या अमेरिका ने नई पाबंदियां क्या आयद कर दी हैं, और वो बेहतियाती बरतता है जो माहौल के लिहाज से, इन्वायरमेंट के लिहाज से दुनिया में काबिले कबूल नहीं, तो हो सकता है कि उसकी मछली की फरोख्त पर यूरोपियन यूनियन या अमेरिका या कोई तरक्की याफ्ता मुल्क पाबंदी आयद कर दे, और उस बेएहतियाती की वजह से उसका जो रोज़े माश है वो ख़त्म हो सकता है। तो लिहाजा एक मछेरे को भी एक नॉलेज वर्कर बनने की ज़रूरत है, और उसके बहुत बुनियादी पेशे को भी दुनिया के नए तकाज़ों से हम आहंग होने की ज़रूरत है। इसी तरह आज के दुनिया में प्रोडक्टिविटी एक बुनियादी सलाहियत और अहमियत इख्तियार कर गई है, क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो कंपेटिटिवनेस नहीं आएगी। तो हम रूरल इकॉनमी की प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से आलमी पैमाने पर लेकर आएं, और फिर रूरल इकॉनमी में वो क्या लिंकेजेस हैं जिन्हें हम कायम करें, जिनसे उनके क्लस्टर्स वर्ल्ड क्लास क्लस्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बने और उनके अर्बन इकॉनमी के साथ और ग्लोबल इकॉनमी के साथ लिंकेजेस भी कायम हों, ताकि वो सिर्फ
پیداواری صلاحیت کے حامل ہی نہ ہوں کہ جن کو لنکیجز اور انسٹیٹیوشنز کی کمی کی وجہ سے کوئی اور ایکسپلائٹ کرے. لہٰذا اس میں جو گیپس ہیں ان کی نشاندہی ہونی ضروری ہے. ابھی میں بلوچستان میں تھا تو وہاں پہ مجھے انہوں نے بتایا کہ جو پچھلے 3 سالوں میں ہم نے کنیکٹیوٹی کی ہے اس نے وہاں کے فارمرز کے لیے دنیا بدل دی ہے. اور وہ بتا رہے تھے کہ جہاں جس وقت پاکستان میں 200 روپے کا کلو ٹماٹر فروخت ہوتا تھا تو ان کے دیہات میں لوگ 20 روپے کلو ان سے خرید کے لے کے جاتے تھے. چونکہ فارمر کے پاس کوئی ذرائع نہیں تھے کہ وہ اپنی پروڈیوس کو کہیں لے کے جا سکے. اب جب سڑکیں بنی ہیں تو ان کے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ وہ براہ راست منڈیوں تک اپنی پروڈیوس کو لے کر جائیں اور ان کی پیداوار کے معاوضے میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ وہ لنکیجز ہوتے ہیں, چاہے وہ کنیکٹیوٹی کے ہوں, چاہے وہ انسٹیٹیوشنز کے ہوں, چاہے وہ فائنینشیل مارکیٹس کے ساتھ ہوں, چاہے وہ ریسرچ کے ساتھ ہوں, چاہے وہ دیگر شعبوں کے ساتھ ہوں. یہ اگر مس ہوں تو وہ کلسٹر اپنے پوٹینشیل پر نہیں آ سکتا. اور اسی کے ساتھ یہ جب مکمل ہوگا تو ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم اس رورل اکانومی کو جب ویلیو ایڈیشن کریں گے اور اس میں اپرچونیٹیز کریٹ کریں گے تو وہاں پہ جاب کریشن بھی ہوگی اور وہاں پہ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. اور یہ سب کرنے کے لیے جیسے ڈاکٹر شعیب ابھی ڈاکٹر سلطان کہہ رہے تھے کہ جب تک ہم دیہی علاقوں کی رہن سہن میں بہتری نہیں لائیں گے, ان کی کوالٹی آف لائف کو بہتر نہیں کریں گے, سوشیو اکنامک اپ لفٹ نہیں ہوگی تو وہ اس پیداواری صلاحیت پر بھی نہیں آ سکیں گے. بیمار اور لاغر آبادی کبھی قومی سطح پہ پیداواری صلاحیت نہیں دکھا سکتی, پروڈکٹیوٹی نہیں دکھا سکتی. ایک ان پڑھ اور انسکلڈ لیبر کبھی ایجوکیٹڈ اور اسکلڈ لیبر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ وہ اسی طرح جو ہمارے صفائی کے مسائل ہیں جن سے کہ بہت سارے صحت کے ایشوز بھی ہمارے منسلک ہیں اور بالخصوص دیہات میں جس طرح ہیپاٹائٹس اور دیگر بیماریاں جاتی ہیں ان کا ایک ٹول ہوتا ہے اس پوری آبادی کے اوپر. تو یہ وہ سارے چیلنجز ہیں جو ہمیں دیہی علاقے میں درپیش ہیں. اور جو 18ویں ترمیم ہوئی اس نے مرکزی حکومت کے لیے عملاً ناممکن کر دیا کہ وہ ان چیزوں پر صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرے. چونکہ رورل ڈیولپمنٹ کی منسٹری ختم ہو گئی, لوکل گورنمنٹ کی منسٹری ختم ہو گئی اور یہ تمام شعبے صوبوں کے پاس چلے گئے. لہٰذا رورل اکانومی کو اور رورل ایشوز کو مربوط کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی مرکزی نقطہ نہیں رہ گیا تھا. اس لیے ہم نے پلاننگ کمیشن کے اندر, جیسے ڈاکٹر عارف نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم نے 5 مراکز شروع کیے جن میں رورل اکانومی کا ایک مرکز ہے اور اسی طرح اربن ڈیولپمنٹ کا ایک مقصد ایک سینٹر ہے, اس میں انٹیگریٹڈ انفراسٹرکچر کا ایک سینٹر ہے, انٹیگریٹڈ انرجی کا ایک سینٹر ہے, سوشل انٹرپرینورشپ کا ایک سینٹر ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نالج اور ایکشن کو گیپ کو برج کریں. کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم عالم فاضل تو بہت ہیں لیکن ہمارا جو نالج ہے وہ زیادہ سے زیادہ نالج سے پالیسی میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اور پالیسی سے آگے امپلیمنٹیشن میں ناکام ہو جاتا ہے. تو یہ جو گیپ ہے نالج نوئنگ اینڈ ڈوئنگ گیپ جسے اکثر میں کہتا ہوں, اور ایک ریسرچ ہے جو سٹینفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسرز نے کی کہ جو ناکام ادارے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ نوئنگ ڈوئنگ گیپ ہوتا ہے, وہ اپنے علم کو عمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں قرآن بھی اس کی تعلیم دیتا ہے. تو اس مقصد کے لیے ایک سینٹر کا یہ مقصد بھی تھا کہ ہم وہ گیپس آئیڈنٹیفائی کریں اور وہ رکاوٹوں کو دور کریں جس سے وہ سارا علم جو ہمارے پاس ہے ہم اسے کیسے بروئے کار لا سکتے ہیں, کیسے اس پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں. تو یہ سینٹر بنیادی طور پہ ایک اوریجنل ریسرچ سینٹر نہیں ہے. اس ریسرچ سینٹر کا مقصد ہے کہ یہ ایک نوڈل سینٹر ہوگا
जो पाकिस्तान में तमाम रिसर्च जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रही है, जो रूरल इकॉनमी के साथ दुनिया में रिसर्च हो रही है, उस सब को मरबूत करेगा पॉलिसी मेकर्स के साथ, और हमें उस रिसर्च, चाहे ये खुद ओरिजिनल करे या पार्टनरशिप में करे, और ज़्यादा प्रेफर्ड मोड होगा कि ये पार्टनरशिप में रिसर्च करे, उसको एक्शनेबल पॉलिसी प्लान्स में ट्रांसलेट करके हुकूमत को देगा, ताकि हम रूरल इकॉनमी की पॉवर्टी को, रूरल इकॉनमी की अनएम्प्लॉयमेंट को, और रूरल इकॉनमी की अंडर डेवलपमेंट को तरक्की में और खुशहाली में और पायदार तरक्की में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ट्रांसलेट कर सकें। मुझे खुशी है कि आज ये एक और ख्वाब पूरा हो रहा है, जो एक ड्रीम थी मेरी कि ये सेंटर बने, लेकिन इसके साथ ही एक मेरा इम्तिहान पूरा हो गया कि हमने वसाइल फराहम किए, इसकी मंजूरी दी, लेकिन अब इसकी जो इंतज़ामिया है उनका इम्तिहान शुरू हो गया है कि उन्हें उन तवक्कुआत पर उतरना, पूरा उतरना होगा। और इस सेंटर फॉर रूरल इकॉनमी को उन जैसे इदारों जैसा नहीं होना चाहिए जो हमने माजी में बड़े बनाए, लेकिन वो कागजी काम में फंसे रहे, या वो फिर वक्त के साथ साथ अपने मिशन को धुंधला गए, और उसके बाद वो सिर्फ चंद अफराद की कफालत तक महदूद होकर रह गए कि चंद लोग उसकी पेरोल पे थे, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, और चंद अफराद की कफालत तो हो रही है लेकिन मुल्क उन इदारों से फ़ायदा नहीं उठा रहा। तो इसीलिए मैंने उसमें तजवीज़ किया कि इसको हम आने वाले दौर में किसी शॉक से भी बचाने के लिए इसमें एक एंडाउमेंट मनी भी रखें, ताकि वो एंडाउमेंट फंड इसको वसाइल में जो फरहमी है किसी तरह, किसी तौर उसमें लग्जश या कमी आने ना दे। तो अब वसाइल भी हैं, इदारा भी बन गया है, अब हम मुंतज़र होंगे कि ये सेंटर फॉर रूरल इकॉनमी अपना इम्पैक्ट, अपने क्वालिटी ऑफ एफर्ट, क्वालिटी ऑफ रिसर्च एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट से पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर मनवाए, और ये हमारे लिए ऐसे सिफारशात फराहम करे जिससे हम अपने देही इलाकों को ट्रांसफॉर्म करके उन्हें भी तरक्की के सफ़र में शहरी इलाकों के साथ शाना बशाना शामिल करके उन तमाम अपॉर्चुनिटी से फैज़याब करें जो कि किसी भी बड़े शहर के अंदर किसी शहरी को या नौजवान को हासिल हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब तशरीफ़ लाए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका तआवुन इस सेंटर के साथ शामिल रहेगा और ये सेंटर आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।